देखिए यहाँ पर मुजफ्फरनगर में किस तरीके से सुअर पालन किया जाता है इनके पास। हाँ जी, आपके पास तसला नहीं आया कोई? तसला नहीं है, देखिए तसले न होने की वजह से या फिर जो सीमेंट का जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चराई बोलते हैं जैसे लोकल भाषा में, वो इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये फीमेल और इसके पिगलेट्स इस बकेट में ही अपना फीड ले रहे हैं। एक एक बारी बारी से नंबर आ रहा है सबका। दे आर इंजॉइंग देयर फीड वन बाई वन, अदरवाइज ऑल विल नॉट फीड इन दिस स्मॉल बकेट। एक एक पीने के लिए बोल रहे हैं कि एक एक पीजिए। और फीमेल का नंबर तो नहीं आया भाई अभी, इसका नंबर भी आने दो। अच्छा, फीमेल का नंबर थोड़ा लेट आएगा, क्यों? दूध दूध तो ये भी आती है बच्चों को भाई, इसका नंबर तो सबसे पहले आना चाहिए, ये तो दूध ही पी लेंगे। देखिए अब फाइनली नंबर आया है। ओ यार देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से सुअर फार्मिंग होती है जिला मुजफ्फरनगर की गांव गोयला में। देखिए ये चार बच्चे हैं, चार पिगलेट्स हैं, जिनमें से दो मेल है दो फीमेल है शायद, जी हाँ, आधे से ज़्यादा इसका नीचे गिर गया हूँ। तसला रखनी चाहिए आपको, उससे कॉस्ट इफेक्टिव होगा आपका फीड। पैर लगाना पड़ रहा है नीचे। अब फिर से वापस पिगलेट्स आ गए हैं। ये नाश्ता है इनका, खाना है पूरा? तो पूरा खाना ही है। खाना है पूरा, थोड़ा थोड़ा मुझे तो नाश्ता लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, दो दो घूट, जैसे पोलियो पिलाते हैं ना दो घूट जिंदगी की, ऐसे ही लग रहा है। देखिए यहाँ पर गांव गोयला की वीडियो है, और यहाँ पर सुअर फार्मिंग जो करने का देसी अंदाज है वो ये है।